नंबर एक पे तो अजीत प्रसाद है, ये जहाँ तक है। तो नंबर दो पे? नंबर दो पे भाजपा आवे के लिए। तो इस बार किसके सिर पे ताज बांधने की तैयारी कर रहे हैं? बीएपी जी, बीएपी भाजपा यहाँ पे होते हुए आप बीजेपी को वोट करेंगे? हमारी इच्छा, हम कहीं भी कर सकते हैं। क्या अच्छा है आपको उसमें लग रही है? बहुत अच्छा ही लग रही है। चोर है, चाहे जो जिस दल के नेता है, सब चोर है और भ्रष्टाचारी है नंबर एक की। ठीक, ये जब चुनाव रहता है जनता को पहचानते हैं, चुनाव के बाद कोई किसी नहीं पहचानता है। गरीबों का बहुत बुरा हाल है। सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, ये रोड बीकापुर की तरफ जाता है और इधर इनायत नगर की तरफ जाता है, और इस समय जहां हम मौजूद हैं ये गांव है खुरहटा। और जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये परचून की दुकान है, जहां गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं और चुनावी चकल्लस में यहां ये लोग मशगूल हैं। आइए अभी इनसे हम जानते हैं कि इस बार होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ये किसके सिर पर ताज बांधने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? राघव राम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? यही गुरेटा है। तो आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो ये तो आपको पता है? हाँ हाँ, उपचुनाव है। तो इस बार कौन सा दल आपके यहाँ भारी पड़ेगा? अब लड़ाई कांटे की रहेगी, जो जीतेगा, जिसकी किस्मत में होगा जीतेगा। किसके किसके बीच लड़ाई रहेगी? अब वही तो सपा से और उनके लड़के हैं उदेश प्रसाद जी के। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि नंबरिंग करिए, तो नंबर एक आप किसको देंगे? नंबर एक पे तो अजीत प्रसाद है, ये जहाँ तक है। तो नंबर दो पे? नंबर दो पे भाजपा आवे के लिए। तो लड़ाई नहीं दोनों के बीच? नहीं, दोनों। आइए, और अभी हम आपको बात कराते हैं। हाँ भैया, आपका सुन रहा हूँ, अपना परिचय तो दीजिए, कोई मतलब नहीं। हाँ भैया, आपका सुन रहा हूँ। राम लगन। कहाँ के रहने वाले हैं? गुरेटा। तो आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? इस बार विधायक सपा के अजय प्रसाद विधायक होंगे हमारे यहाँ से। तो अवधेश प्रसाद तो सांसद बन चुके हैं जी। अजय प्रसाद बेटे होंगे? अजय प्रसाद के बेटे हैं अवधेश प्रसाद के। तो अजय प्रसाद में आपको क्या अच्छाई लग रही है? अजय प्रसाद के अवधेश प्रसाद के बेटे की अच्छाई ये है कि जो हमारे यहाँ विकास है और बेरोजगारी का मुद्दा है और शहर की समस्या है, इस पर अवधेश प्रसाद पूरा ध्यान दे रहे हैं। और जमीन जो सरकार फ्री में ले रही है, उसका सही मुआवजा नहीं दे रही है, इसी वजह से यहाँ बीजेपी कमजोर पड़ रही है। नहीं, कहाँ फ्री में ले रही है? हैं, कहाँ फ्री में ले रही है? रेट अभी नहीं बढ़ा है मिर्जीपुर का, मतलब सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, इसलिए यहाँ बीजेपी कमजोर जी। हाँ भैया, आपका परिचय? राम क्लब यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव? गुरेटा के। तो इस बार किसके सिर पर ताज बांधने की तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी जी, बीजेपी भाजपा। भाजपा के सिर पे जी। यादव होते हुए आप बीजेपी को वोट करेंगे? हमारी इच्छा, हम कहीं भी कर सकते हैं। क्या अच्छा है आपको उसमें लग रही है? बहुत अच्छा ही लग रही है। जैसे जैसे कि सारी सुविधाएं वो दे रखा है, अच्छा ही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है जनता के साथ? मंदिर कभी बना हुआ था, कभी नहीं बना हुआ था, एक अच्छा ये भी है। कोई भी सरकार आई लेकिन आज तक मंदिर नहीं बना। देखिए भाई साहब, का कहना है कि अभी तक कई सरकारें आई लेकिन किसी ने मंदिर नहीं बनवाया, चूंकि बीजेपी ने मंदिर बनवाया, इसलिए हम लोग उसी पार्टी का विधायक बनाएंगे। हाँ भैया, आपका सुन रहा हूँ। अवधेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरेटा के रहने वाले हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है? अभी नहीं पता, जब तक चुनाव की डेट ना आ जाए तब तक कैसे मान लें चुनाव होने वाला है? नहीं, आज नहीं तो कल डेट निर्धारित होगी। नवंबर तक चुनाव होना है, अक्टूबर नवरात्र लगने वाला है, डेट आ जाएगी। नहीं, फिर भी कुछ न कुछ तो मूड लोगों का बना होगा। मूड क्या बनेगा, नेता साले सब चोर हैं, चाहे जो जिस दल के नेता हैं, सब चोर हैं और भ्रष्टाचारी है नंबर एक की। ठीक, ये जब तक चुनाव रहता है जनता को पहचानते हैं, चुनाव के बाद कोई किसी नहीं पहचानता है। गरीबों का बहुत बुरा हाल है, आप उनका अभी ले रहे थे, देखिए कितना गरीब आदमी है।
कुछ रहने को नहीं है। देखिए बहुत सरकारें आती हैं जाती हैं। देखिए किन नेताओं की आप बात करेंगे? वो नेता जो साले झोपड़ी से शुरू करते हैं और अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन किसी कार्यकर्ता को एक रुपए की मदद नहीं करते हैं। गरीब लोग परेशान है, राशन कार्ड नहीं बना है, आवास नहीं मिल रहा है, और वो कोई शिकायत लेके जाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कैसे मानेंगे हम सरकार बहुत अच्छी है या सुंदर सरकार है? देखिए भाई साहब, नेता के नाम से भाग गए, और इनका कहना है कि नेता चाहे किसी भी दल का हो लेकिन वो गरीबों की नहीं सुनता है। बस आज यहीं तक। अगला पड़ाव अगला गांव।